वृत्र को मारने वाले तेजस्वी, अनेक शत्रुओं का नाश करने वाले, बलवान, युद्ध में स्थिर रहने वाले, वज्रधारी, शत्रुनाशक ऐसे तुझ इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। धन प्राप्त होने वाले इस युद्ध में उत्साही धनवान इंद्र को अपने मदद के लिए बुलाते हैं। प्रार्थना सुनने वाले उग्रवीर, युद्ध में वृत्र का नाश करने वाले, धनों को जीतने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। बलवान, देवों से सेवित, सामर्थ्यवान, रथों को संग्रामों में पार करने वाले, तेज अस्त्र पास में रखने वाले, शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने वाले शीघ्रगामी सुपर्ण को अपने कल्याण के लिए हम बुलाते हैं। दुखों से पार करने वाले, संरक्षण करने वाले, प्रत्येक युद्ध में सहायतार्थ बुलाने योग्य इस शूर और बलवान इंद्र को हम बुलाते हैं। दाएं हाथ में वज्र को धारण करने वाले, तेज दौड़ने वाले, घोड़ों के रथ में बैठने वाले इंद्र को हम यज्ञ में बुलाते हैं। वह अपनी दाढ़ी और मूछों को हिलाते हुए सबसे श्रेष्ठ हुआ है। अपनी सेना से शत्रु को भय दिखलाकर धन लेता है। हम एक साथ अनेक शत्रुओं को मारने वाले, शत्रु को भयभीत करने वाले, शत्रुओं को भगाने वाले महान, अपार बलवान, उत्तम वज्रधारी इंद्र की प्रशंसा करते हैं। वह इंद्र वृत्र को मारने वाला, अन्न देने वाला, उत्तम धनवान है। वह भक्तों को धन देता है। जो शत्रु हमें मारने की इच्छा करता हुआ, हम पर चढ़ाई करता हुआ आता है, जो घमंडी विनाशक शस्त्रों को लेकर तेज से सेना के साथ चढ़ाई करता है, उसे हम तेरे संरक्षण से रक्षित होकर बलवान मन से युक्त होकर पराजित करें। सर्वज्ञानी, ठीक समय पर पहुँचने वाला, सबसे पहले पहुँचने वाले इंद्र को भरपूर सोम दे। कठोर भाषण मत करो। बहुत पराक्रमी, शत्रुओं का पराभव करने वाले, सज्जनों के पालक इंद्र को हम लाते हैं। उस उपकार करने वाले बल के स्वामी, सब शत्रुओं को हराने वाले शक्तिमान सर्वज्ञ नेता की मैं स्तुति करता हूँ। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, कवि, अपरिमित सामर्थ्य वाला, सब कर्मों को धारण करने वाला, बहुतों से प्रशंसित इंद्र है। हे मनुष्यों, तुम इंद्र का सत्कार करो, खूब सत्कार करो। शत्रु को हराने वाले इंद्र का सत्कार सभी करें। बहुतों से शत्रुओं को हराने वाले इंद्र के यश प्रकट करने वाले स्तोत्र गावो। सब शत्रु सेनाओं पर आक्रमण करने वाले, शत्रु के आगे कभी न झुकने वाले सामर्थ्य के स्वामी को मैं बुलाता हूँ। वह महान दिव्य संरक्षणों से युक्त होकर सब शत्रुओं को दूर करता है। हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, बहुत धनों के तेरे दान बहुत महान और विशाल हैं। हे सर्वद्रष्टा, उत्तम दान देने वाले इंद्र, हमें धन देकर महान कर। हम शत्रुओं को मारने वाले उग्रवीर, सामर्थ्यवान, प्रतापी और शीघ्रता से कार्य करने वाले इंद्र की स्तुति करते हैं। वह पुराण पुरुष इंद्र शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले नए वीरों को अकेला ही विजय के मार्ग से ले जाता है। हमारी बहुत सी स्तुतियां मनुष्यों का धारण पोषण करने वाले, बढ़ाने वाले अमर इंद्र की प्रशंसा करती हैं। हमारे संरक्षण के लिए पवित्र करने वाले इंद्र की, आत्मशक्ति बढ़ाने वाली, उन्नत की इच्छा करने वाली हमारी स्तुति प्रशंसा करती है। उस शत्रु का पराभव करने वाले धन के समुद्र इंद्र को स्तुति से आनंदित करो। जिसके मनुष्य के लिए हितकारी कार्य द्युलोक के समान सब जगह फैले हुए हैं, भोग प्राप्ति के लिए महान ज्ञानी इंद्र की आराधना करो। जिस इंद्र ने कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों को मारा, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले बलवान इंद्र को अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम बुलाते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तेरे उस बलवान, युद्ध में शत्रुओं का पराभव करने वाले, सब लोगों का हित करने वाले आनंद की मैं प्रशंसा करता हूँ। जो अकेला ही इंद्र सब शत्रु सेनाओं का विनाश करता है, जो अकेला ही दान देने वाले मनुष्य को धन देता है, जिसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता, ऐसा इंद्र सबका ईश्वर है। मैं श्रेष्ठ वीर और शत्रु का पराभव करने वाले इंद्र की स्तुति करता हूँ। अपने सामर्थ्य से तू वृत्र को मारता है। हे सब शत्रुओं को जीतने वाले, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसे इंद्र तू सब ओर से विशाल और द्युलोक का स्वामी है। तू हमारे पास आ, खाऊ शत्रुओं को तू मारता है, अतः तेरी हम प्रार्थना करते हैं। महान आदित्य, हमारे पुत्र पौत्रों को जीने के लिए दीर्घायु करें। हे वज्रधारी इंद्र, विघ्न दूर करने के मार्ग तू जानता है।
प्रतिदिन स्वच्छता रखने वाला रोगों को दूर करता है। हे आदित्यों, रोग, शत्रु, दुष्ट बुद्धि, पाप, इन सबको हमसे दूर करो। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है, तेरा नेता कोई नहीं है और भाई भी कोई नहीं है। तू युद्ध से ही कोई भाई मिले ऐसी इच्छा करता है। जिसने हमें पहले भी धन दिया, उस इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। बलवान और शत्रु को झुकाने वाले वीरों, हमसे दूर मत रहो। क्रूर कर्म करने के कारण लंबी सांसें लेते हुए शत्रु को तेरी सहायता से हम ठीक जवाब दें। तू हमें सामर्थ्य और धन भरपूर दे और शत्रु सेना को पराजित करने वाला पराक्रम भी हमें दे। स्वराज्य के संरक्षण की दृष्टि से पृथ्वी के अहिनामक शत्रु पर तूने शासन किया। उससे बड़े और छोटे संग्रामों में संरक्षण के साधन मांगते हैं, वह युद्धों में हमारा संरक्षण करे। हे वज्रधारी इंद्र, तेरा पराक्रम अजेय है। अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए कपटी वृत्र को तूने कपट से ही मारा। शत्रु पर आक्रमण कर, चारों ओर से आक्रमण कर और उसका नाश कर। तेरा वज्र किसी से भी रोका नहीं जा सकता। तेरे बल शत्रु को झुकाने वाले हैं। स्वराज्य की अर्चना करने के लिए शत्रु को मार और जल जीत कर अपने अधिकार में ले। जब युद्ध शुरू होता है तब शत्रु को जीतने वाले को धन मिलता है। तू किसको मारता है, किसको धन में स्थापित करता है, अर्थात किसे धन देता है? हमें सत्य बोलने वाला कब करेगा, कब धन दान देगा? स्तुति करने वालों को भरपूर धन दे। हमारे मन, बल, कर्म और कल्याण प्राप्त हों इसलिए प्रेरित कर। शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र ने अपने दोनों हाथों में फौलाद के वज्र को धारण किया। जिसको समान विचार और मन वाले देव शत्रुओं से दूर करके उन्नति के रास्ते ले जाते हैं, उस मनुष्य को पाप नहीं लगता और दुर्गति उसके पास फटकती भी नहीं। सामर्थ्यशाली तू शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए आ। हमारे ऋणों को दूर करने वाला तू शत्रुओं से पार होने के लिए शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए जाता है। हे चारों ओर से शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र, चारों ओर से हमें भरपूर धन दे। यह इंद्र ज्ञानी है। त्वष्टा ने तेजस्वी वज्र तैयार किया। धन से यज्ञ करने वाले शांति, उत्तम स्थान और धन प्राप्त करते हैं। जो व्रत का पालन नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता। गायें हमेशा शुद्ध रहती हैं। तरुण और प्रसिद्ध इंद्र सब शत्रुओं को मारता है। हे अग्ने, तू हमारे पास कल्याण करने वाला और संरक्षक है। सब शत्रुओं का नाश करने वाला यह इंद्र है। उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर हम 100 वर्ष तक आनंद से रहें। हमारे अन्न को पुष्टिकारक बना। इंद्र सब विश्वों पर राज्य करता है। हम धनवान, उग्रवीर, बहुत बल धारण करने वाले, शत्रुओं से कभी पराजित न होने वाले उस इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। वज्रधारी इंद्र धन प्राप्ति के सब मार्ग सुगम करता है। इस प्रकार इस ऐन्द्र कांड में सुभाषित हैं अथ पावमानम कांडम। अथ पंचमोध्यायः प्रथमः खण्डः। हे सोम, तेरे इस अन्न रूपी रस का जन्म ऊंचे द्युलोक में हुआ है। द्युलोक में होने वाले प्रभावशाली सुख और महान अन्न भूमि पर प्राप्त होते हैं। तुझ सोम का जन्म द्युलोक में ऊंचे स्थान पर हुआ है। वहां से महान सुख और उत्तम अन्न पृथ्वी पर हमें प्राप्त होते हैं। हे सोम, इंद्र के पीने के लिए निकाला गया यह रस रूप तू स्वादिष्ट और हर्ष उत्पन्न करने वाली धारा से प्रवाहित हो। इंद्र के पीने के लिए यह रस निकाला गया है, वह रस स्वादिष्ट और हर्ष बढ़ाने वाला है। हे सोम, बलशाली धारा से तू कलश में आ और मरुत जिसकी सहायता करते हैं उस इंद्र के लिए सब सामर्थ्य से युक्त होकर आनंद बढ़ाने वाला हो। जोर के प्रवाह से वर्तन में रस पड़े, इंद्र के मदद के लिए मरुत आते हैं। सब सामर्थ्यों को धारण कर आनंद बढ़ाने वाला हो। सोम रस पीने से शक्ति और आनंद बढ़ता है। हे सोम, तेरा जो देवों को बुलाने वाला, पापी और दुष्टों का नाश करने वाला, श्रेष्ठ आनंद देने वाला जो रस है, उस अन्न रूप रस के साथ कलश में तू आ। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों के मंत्र बोले जाते हैं। दुधारू गायें दूध दूहने के लिए शब्द करती हैं।
हरे रंग का सोम शब्द करता हुआ छाना जाता है। हे सोमरस अत्यंत मीठा तू यज्ञ के मध्य भाग में बैठने के लिए मरुत जिसकी सहायता करते हैं उस इंद्र के लिए कलश में जा। पर्वत पर होने वाले सोम का रस आनंद प्राप्ति के लिए निचोड़ा है, पानी में मिलकर वह बढ़ा है, शेन पक्षी के समान अपने स्थान पर वह जाकर बैठा है। पर्वत पर सोम लता होती है, उसका रस निकाला है, पानी में मिलकर वह बढ़ा है, वह बल बढ़ाने वाला हो गया है। शेन पक्षी जैसे पर्वतों से उड़कर अपने स्थान पर आता है, उसी प्रकार यह सोम पर्वत से यहाँ यज्ञशाला में आया है।